ऐसा कुछ दिखता है टेस्ट सेंटर, इसका जो लोकेशन है वो मैं आपको लिख दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और जो भी मेरे मैंने यूज़ किए हैं प्रिपरेशन के लिए अपने टेस्ट किट मटेरियल वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अंदर वीडियो अलाउड नहीं होगी, तो यहीं तक रहेगा ये। बाकी मैं आपको बताता हूँ कैसा मेरा एक्सपीरियंस है और कितने अटैम्प्ट में मैं पास कर पाया। मेरा बन चुका है G1 लाइसेंस, मैंने कर लिया है पास टेस्ट। तो पहले टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि टेस्ट में होता क्या है। तो टेस्ट में होते हैं 20 क्वेश्चंस के 2 सेट्स, और उनमें फर्स्ट वाला जो होता है दैट इज़ आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड सेकेंड में आपके सारे साइंस होते हैं कि कौन से साइंस का क्या मतलब होता है रोड पे। सो इट इज़ अ इजी टेस्ट, अगर आप ज़्यादा नर्वस ना हो मेरा एग्ज़ाम देते हुए तो बहुत इजीली हो जाएगा। इस G1 का एक ऐप आता है फॉर iOS, G1 टेस्ट करके, वो मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जिससे मैंने तैयारी की थी, एंड जो और मैंने मटेरियल यूज़ किया था प्रिपरेशन के लिए वो भी मैं दे दूँगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। मेरे को उन्होंने भी ये प्रोवाइड किया है एक पेपर वर्क, जब तक मेरा कार्ड बन के नहीं आता लाइसेंस का G1 का। बट आई डोंट थिंक सो आई कैन ड्राइव राइट नाउ, बिकॉज आपको एक जिस बंदे का प्रॉपर G हो और 4 साल का एक्सपीरियंस हो, मैं उसके साथ ही फिलहाल ड्राइव कर सकता हूँ। सो आई नीड टू वेट फॉर माई G2, जो कि इन माई केस इज़ अ 12 months वेट। आई कैन रिड्यूस दैट टू 8 months अगर मैं अपना ड्राइविंग का सर्टिफिकेट बनवा लूँ क्लासेस लेके। बाकी दूसरी शीट थी जिसमें सारा ब्रेक डाउन है अमाउंट का। सो आई पेड $159.75, जिसमें $16 थे नॉलेज टेस्ट के दैट इज़ G1। लाइसेंस फी है $90 और रोड टेस्ट फी है 53.75। तो G2 का जो है इन्होंने ऑलरेडी आपसे पैसे ले लिए हैं दैट इज़ 53.75। अगर आपके पास वैलिड लाइसेंस है विथ 2 years और मोर एक्सपीरियंस, और उसका आप एक्सट्रैक्ट भी लेके जाते हो इनके पास, तो आप साथ के साथ G2 दे सकते हो। G2 का फिर वेट नहीं करना पड़ता। G2 के बाद आकर 12 मंथ्स का वेट होता है G के लिए। तो मेरा अगर नेक्स्ट जुलाई में बनता है G2, तो मेरे को जुलाई 2025 में जाके मेरा G बनेगा। तो वहाँ पे एंटर करते ही आप पहले मशीन्स दिखेंगी दो, वहाँ पे जाके आप अपना टोकन ले लो। वहाँ पे ऊपर बीप करता है आपका नंबर, जब आपका टोकन नंबर की बारी आएगी तो आप उस विंडो पर जाके बात कर सकते हो जैसे नॉर्मल होता है। वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूछते हैं, तो पासपोर्ट जाना है, आधार कार्ड नहीं चलेगा, पैन कार्ड नहीं चलेगा, पासपोर्ट के लिए भी जाना पड़ेगा आपको। और पहले मेरा मिस हो गया था पासपोर्ट, तो मैं वापस पासपोर्ट लेने आया था, वहीं से स्किप कर गया था। तो ऐसा कुछ बस फिर क्या था, फिर तो पार्टी देनी थी। फिर हम आ गए रेड फन पिज़्ज़ाज, हमने लिए स्पाइसी पनीर और बटर चिकन वाला पिज़्ज़ा, बहुत बढ़िया थे गाइस। दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू हैव पिज़्ज़ा इन किंगस्टन। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।